एक युवा छात्र के जीवन में एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ शिक्षा से परे है। वे एक नेता, एक रोल मॉडल, एक कोच, एक सलाहकार और सकारात्मक विकास के सूत्रधार हैं। छात्रों के स्कूल में अपने अधिकांश जागने के घंटों के साथ यह शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए है, जहां बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने शिक्षाविदों के प्रत्येक पहलू में शीर्ष ग्रेड और प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस अपने दिमाग को कंडीशन करना है और अपने आप को प्रेरित करना है। जब कुछ भी आपके तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो कई छात्र खराब ग्रेड और विफलताओं के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसीलिए सकारात्मक उद्धरण पढ़कर प्रेरित रहना बहुत आवश्यक है। क्या आप कभी घने कोहरे में समुद्र में रहे हैं, जब ऐसा लग रहा था कि एक ठोस सफेद अंधेरा आपको बंद कर देता है और महान जहाज तनावपूर्ण और चिंतित है, उसे बेर और ध्वनि लाइन के साथ किनारे की ओर ले गया और आपके साथ इंतजार किया, कुछ होने के लिए दिल धड़क रहा है। मेरी शिक्षा शुरू होने से पहले मैं उस जहाज की तरह था, केवल मैं कंपास या साउंडिंग लाइन के बिना था और यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि बंदरगाह के पास कैसे था। रोशनी मुझे प्रकाश दो, मेरी आत्मा का शब्दहीन रोना था और उस एक घंटे में मुझ पर प्रेम की ज्योति चमक उठी। हम आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं यदि हम केवल प्रतिदिन इसके लिए नियुक्त बोझ लेंगे। अगर हम आज फिर से कल का बोझ उठाते हैं, तो ये बोझ हमारे लिए बहुत भारी होगा और फिर इसे सहन करने से पहले हमें दुख का बोझ उठाना पड़ेगा। जारी रखो और संभावना है कि आप किसी चीज पर ठोकर खाएंगे, शायद जब आप कम से कम इसकी उम्मीद कर रहे हैं। मैंने कभी किसी को नीचे बैठे किसी चीज पर ठोके खाते हुए कभी नहीं देखा। यदि आप अपनी खुद की जीवन योजना नहीं बनाते हैं, तो संभावना है कि आप किसी और की योजना में पड़ोगे और अनुमान लगाओ कि उन्होंने आपके लिए क्या योजना बनाई होगी। आप एक छात्र को एक दिन के लिए सबक सिखा सकते हो, लेकिन अगर आप उसे जिज्ञासा पैदा करके सीखने के लिए सिखा सकते हैं, तो वो सीखने की प्रक्रिया तब तक जारी रखेगा जब तक कि वह वहां रहता है। आज बहुत सी शिक्षा स्मारकीय रूप से अप्रभावी है। सभी अवसर अगर युवाओं को पागल बना रहे हैं, जब हम उन्हें अपने स्वयं के पौधों को उगाने के लिए सिखा रहे होंगे ना, तब शिक्षा का उद्देश्य हमें यह सिखाना चाहिए कि हम कैसे सोचें, क्या सोचें, बल्कि अपने मन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम अपने लिए सोचने में सक्षम हो सकें, अन्य पुरुषों के विचारों के साथ साथ स्मृति को लोड कर सकें। बच्चे को बनाने में सबसे सुंदर चीज है उसकी गलतियां हैं। जितना अधिक बच्चे का काम इन व्यक्तिगत गलतियों से भरा होता है, उतना ही शानदार होता है, और जितना अधिक शिक्षक उन्हें बच्चे के काम से दूर करता है, उतना ही उजाड़ और अव्यक्ति हो जाता है वो। यदि आप एक वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं, तो चावल बोएं, और यदि आप एक दशक से योजना बना रहे हैं, तो पेड़ लगाएं, और यदि आप जीवन भर के लिए योजना बना रहे हैं, तो लोगों को शिक्षित करें, हमेशा उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएं। बल और कठोरता से बच्चों को सीखने के लिए प्रशिक्षित ना करें, लेकिन उन्हें उनके मन को प्रसन्न करने के लिए इसे निर्देशित करें, ताकि आप प्रत्येक की प्रतिभा को स्पष्टता के साथ सटीकता से खोज सकें। कोई भी पुस्तक जो किसी बच्चे को पढ़ने की आदत बनाने में मदद करती है, उसकी गहरी और सतत जरूरतों में से एक को पढ़ने के लिए उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी आदमी जो शिक्षा की पूजा करता है, उसे शिक्षा से सबसे अच्छा लगता है। शिक्षा के लिए कोमल अवमानना के बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी मूर्ख है,
तो आप उसे विश्वविद्यालय भेजकर मूर्ख बनने का प्रशिक्षण नहीं देते, आप उसे केवल एक प्रशिक्षित मूर्ख में बदल देते हैं, जो 10 गुना अधिक खतरनाक होता है। बहुत से बुद्धिमान लोग गरीब विचारक होते हैं। औसत बुद्धि के कई लोग कुशल विचारक भी होते हैं। जिस तरह से कार को चलाया जाता है तो उससे कार की शक्ति अलग होती है। शिक्षा की बहुत अधिक प्रभावी होगी यदि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जब तक वे हर लड़के और लड़की को स्कूल नहीं छोड़ते, तब तक उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कितना पता है, और इसे जानने के लिए आजीवन इच्छा के साथ नामांकन किया जाए। शिक्षा के विषय पर मैं केवल यह कह सकता हूँ कि मैं इसे सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखता हूँ, जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। यह वास्तव में शिक्षा के कार्य का एक हिस्सा है, जो हमें अपने समय से बचने में मदद करता है, क्योंकि हम उससे बंधे हैं, लेकिन हमारे समय की बौद्धिक और भावनात्मक सीमाओं से। यदि आप उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आज वहां पहुंच सकते हैं एक दूसरे के रूप में। कम से कम उत्कृष्ट काम करना छोड़ दें। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आप केवल सफल ही हो सकते हैं। अगर आप सफल नहीं हुए, तो आप केवल असफल हो जाएंगे।